Dear students, today we will start our exercise portion of lesson 6. So, have a look at page number 70, all of you. Complete these sentences. First one is Each time Gina walked down the lane where she lived, a neighbor would remark, देयर गोज द ब्रेड जब भी गीना वहाँ पर गली में घूमती थी या उस मोहल्ले में बाहर निकल के आती थी तो पड़ोसी उसको कहते थे देखो वह बिगड़ैल बच्ची जा रही है सेकेंड गीना वॉज कॉल्ड अ ब्रेड बिकॉज शी मेड श्यू दैट शी गॉट वॉट शी वॉन्टिड गीना को बिगड़ैल बच्चा इसलिए कहते थे वे क्योंकि वह जिस चीज़ को पाना चाहती थी वह उस चीज़ को लेकर ही रहती थी थर्ड वन मोस्ट चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक टू प्ले विद गीना बिकॉज शी बॉस्ड देम अराउंड एंड मेड देम क्राई बच्चे गीना के साथ नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि वह जो गीना है उनके ऊपर धौंस जमाती थी उनको डराती थी और वह उनको डुलाती थी फोर्थ वन वन डे रीता द न्यू गर्ल क्राइड बिकॉज द टीचर स्कोल्डेड हर फॉर डूइंग हर संस केयरलेसली एक दिन रीता जो एक नई लड़की थी उस कक्षा में वह रो रही थी क्योंकि जो अध्यापिका थी उन्होंने उसको डांटा था क्योंकि उसने अपने मैथ के सम को गलत किया था फिफ्थ गीनाज मदर टोल्ड गीना द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द डव टू एक्सप्लेन वाई गीना शुड हेल्प रीता गीना की माँ ने गीना को एक कहानी सुनाई थी एक चींटी और एक पारिंदा पारंदा पक्षी की जो कि सफ़ेद कबूतर होते हैं ताकि गीना जो है अपनी सहेली रीता की सहायता करें सो है लुक एट पेज नंबर सेवेंटी वन

फॉर एग्जाम्पल बीयर इज एन एनिमल एंड इट ऑल्सो मीनस टू होल्ड अपर एक तो है एक एनिमल का नेम है और दूसरा है इसका टू होल्ड अपनिंग इज करेक्ट राइट ए और बी इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन इज लेटर इन दिस सेंटेंस ए रिटर्न मैसेज यू सेंड टू समन अगर हमने किसी को रिटर्न मैसेज भेजना है तो उसमें हम लोगों ने ए मेंशन करना है बी वर्ड्स आर मेड अप ऑफ दीज अगर वर्ड्स इनसे बनते हैं तो वहां पर हमने बी मेंशन करना है तो देखिए इन दो सेंटेंसेस में हमने किसमें ए और किसमें बी मेंशन करना है अ सेंटेंस विच ऑलवेज बिगिनस कैपिटल तो इसमें हम बी को मेंशन करेंगे सेकेंड विल यू पोस्ट दिस अल यू पोस्ट दिस फॉर मी जिसमें हम लोग अ लिखेंगे ए लिखेंगे क्योंकि देखिये ए क्या लिखा है रिटर्न मैसेज जिसमें रिटर्न मैसेज हम लोगों ने सेंड करना है उसमें हमने ए लिखना है सेकेंड वन लेफ्ट इसमें हम लोगों ने ए लिखना है जिसमें हमें डायरेक्शन का पता लगता है और बी लिखना है जहां पर किसी के जाने का पता लग रहा है वेंट अवे So, look at first sentence, parents, him at his हिम एट जाने के लिए पता चल रहा है तो यहाँ पर हम लोग बी लिखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन का पता चल रहा है तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ए मेंशन किया है तो हम यहाँ पर ए फिल करेंगे थर्ड वन इज एंट्रे एड्रेस तो इसमें ए जो है स्पीक टू एंड बी फॉर लोकेशन प्लीज राइट योर होम ऑन दिस पेपर सो बी इज फॉर लोकेशन सो वी हैव टू राइट बी हियर सेकेंड वन द प्रिंसिपल विल नाउ डैश द गैदरिंग तो यहाँ पर हम लोग ए मैंशन करेंगे फोर्थ करंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम और बी फ्लो ऑफ वाटर सो लुक एट फर्स्ट सेंटेंस द डैश न्यूज ऑफ हर हेल्थ इज नॉट गुड यहां प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग ए मैंशन करेंगे और द डैश इन दिस रिवर इज स्ट्रांग बी केयरफुल तो यहां पर फ्लो ऑफ वॉटर की बात कर रहे हैं तो सेकेंड सेंटेंस में हम लोग बी मैंशन करेंगे फिफ्थ वन स्पोक ए ए में हम लोग पास टेंस के बारे में बात करेंगे लिखेंगे या बी में हम लोग पार्ट्स ऑफ व्हील एक व्हील के पार्ट्स के बारे में लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस ईच डैश ऑफ द व्हील स्पोर्ट्स द बाइसिकल तो देखिए यहाँ पर बी पार्ट में व्हील के बारे में बात हो रही है तो हम फर्स्ट सेंटेंस में बी फिल करेंगे और सेकेंड टेंस में कियारा और डैश टू हर फ्रेंड तो कियारा जो है जो पास्ट टेंस में जो बात हो चुकी है उसके बारे में बता रही है तो सेकंड सेंटेंस में हम लोग ए मेंशन करेंगे लुक एट ई पार्ट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस सॉरी ईच ऑफ दीज वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स टू शो द डिफरेंस इन मीनिंग पर हर एक वर्ड्स का हर एक वर्ड्स का जो है उसके एक से ज्यादा मीनिंग है तो हमने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं जिससे कि हमें इनके मीनिंग्स के में डिफरेंस का पता चले सो फर्स्ट वन इज चेस्ट ये जो है नाउन है तो हम पहला सेंटेंस लिखेंगे ही हैज पेन इन द चेस्ट कि उसके चेस्ट में छाती में दर्द है बी चेस्ट सेकेंड भी नाउन है चेस्ट तो इसमें हम लोग लिखेंगे द डॉक्यूमेंट्स वर्कैप्ड इन एन एंशियंट ओक चेस्ट विथ अ ब्रास लॉक जो एंशियंट ओक ट्री है पुराना शाहबलूद का पेड़ है वहां पर उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स को रख दिया गया है जिसमे की एक ब्रास का लॉक लगाया हुआ है Second one is switch. So, switch is also a noun. So, you have to write which switch do I press to turn it off. Second switch. Verb hai. When did you switch your jobs? Third. Rose. Rose jo hai. First one is Noun hai. She presented the chief guest with a bouquet. Second is adjective. Sorry, bouquet of rose, uh, bouquet of red roses. And second sentence is adjective. The walls were rose pink. Fourth one, park. So now it is noun. We went for a walk in the park. In second sentence, here is verb. You can't park. The car here and fifth one watch. Now, grandpa gifted me a watch for my birthday. In second sentence, verb it is a verb watch your step on the stairs. Thank you.